बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुएब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आया हूँ साथ वाले गांव में, ठीक है। वो पीछे खड़ी है ट्रैक्टर, ठीक है। वहाँ से हम लेने आए हैं, यहाँ से पराली लेने आए हैं। वो पराली मतलब भैंसों वगैरह का जो है ना चारा वगैरह होता है, ठीक है। तो वो हम लेने आए हैं साथ वाले गाँव से। तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं थोड़े से काम कर रहा था घर में। तो अभी मैं आया हूँ खेतों में, तो अभी मैं आपको जा के दिखाता हूँ काम हो रहा है। तो पहले जो था ना हम खुद ही करते थे, तो इस बार हमने जो है ना साथ वाले गांव से लड़के मंगवाए थे, आदमी वो कर रहे हैं काम, ठीक है। तो अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। वो जी अंकल खड़े हैं वो सामने, तो अभी वो काम हो रहा है, अभी वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह काम हो रहा है, ठीक है। ये सामने गाड़ी लोड हो रही है, वो सारा सामने पड़ा हुआ है, तो ये सारा उठा लिया, ठीक है। तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत ही रह गया अभी, तो मैं आपको जाके नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे गाने चल रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ काम हो रहा है। अभी मैं जाके आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, कॉपीराइट ना आ जाए, इन्होंने गाने लगाए हुए हैं, तो ये अगर गाने बंद हो गए तो इनका काम भी बंद हो जाएगा। तो गाने हम इसका मतलब बंद नहीं करवा सकते। अभी मैं ठहरा ना। अगर हम खुद ही कर रहे होते तो हमें इतना जो है ना काम हमने कभी भी नहीं था करना जितना ये भाई लोग कर रहे हैं, ठीक है। इनको वैसे भी जांच है, मतलब पता है इनको कैसे काम करना है। देखिए माशाल्लाह अंकल भी आ गए हैं जी। आप साथ साथ सॉन्ग देखें, कैसा सॉन्ग सुन रहे हैं ये भाई। ये जो काम कर रहे हैं भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये मतलब इतना भारी काम और इतनी मतलब गर्मी में इसमें लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप फुल लगी हुई है और काम करें साथ तो फिर गर्मी तो बहुत लगती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। वैसे काम है मुश्किल है, देखने में आसान लग रहा होगा। बाकी मैं हम क्योंकि पिछले साल उससे पिछले साल पहले हम खुद ही लाते होते थे, तो अभी जो है मतलब इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मतलब कोई दूसरे बंदे जो है ना वो लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, वरना पहले हम खुद ही करते थे। ये अंकल जैसे ऊपर तुड़ी बिछा रहे हैं ना, पराली बिछा रहे हैं, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब पूरे हिसाब से इसको बिछाना, ठीक है, ये मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है, और अपने हिसाब से जो है ना ये करना, क्योंकि जब फिर बाद में ट्रैक्टर चलता है ना तो ये मतलब बहुत ऐसे ऐसे हिलता है, थोड़ा सा भी जंप आए ना तो बहुत गंदा हिलता है। तो इंशाल्लाह साथ ले के चलते हैं इनको,
तो जब लोड होता है तो फिर आपको मिलते हैं। ये जी अभी यहाँ पे साइड पे करने लगे हैं क्योंकि वो काफ़ी ये सारा साफ़ हो गया तो वो आगे पड़ा हुआ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो फिर जो है ना काम आसान हो जाएगा। ये देखे बच्चा कितना सा है, देखे कितनी बड़ी गाड़ी, ये ही लेके जाएगा हमारे गांव तक। तो रास्ता बहुत ही गंदा है तो माशाल्लाह ड्राइवर चेक करें। पूरा ड्राइवर है जी ये, ये देखें अभी बहुत ऊपर जाएगा ये, तकरीबन ये सारी जितनी भी पड़ी हुई है ना ये सारी इसके ऊपर आएगी। अच्छा जी अभी टी ब्रेक आई है, सारे भाई बैठ गए हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं, बोतलें मैंने आगे ला के दी हैं भाई लोगों को। तो ये जो है ना बकरियां वगैरह साथ ही हैं, ये पता नहीं किन की हैं। तो जी मुझे भी इन्होंने अपने पास बिठा लिया, अभी इनके पास बैठे हुए हैं। बस बस कह रहे हैं बार बार पियो तो पीनी पड़ेगी। मर गए लो जी लड़ाई हो गई। मेरे ना गल सची कर, अज तेन हद पाई सी तू पैसे क्यों पिया परताए ने। वो देखें जी वो भाई आग लगा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आग लगाना बहुत गलत काम है, ये हुकूमत की तरफ से भी ना मतलब एक्शन लेते हैं अगर उनको पता चले तो, क्योंकि इसके साथ बहुत स्मोक बनती है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है आग लगाना। वो भाई लगा रहे हैं भाजी, दोबारा से काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि तकरीबन आधे घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा जी। माशाल्लाह ये सारी साइड जो है ना ख़त्म हो गई है, अब दूसरी साइड पे थोड़ा सा रह गया, तकरीबन कोई 5-10 मिनट का काम रह गया, अभी बस ख़त्म करके तो चलते हैं सीधा हवेली की तरफ। तो हवेली जा के मतलब इसको ऐसे ही उतारना नहीं पड़ेगा,
ये जैक वाला ट्राला ठीक है, वो जैक उठाएंगे तो सारी जो है ना पराली जो है ना वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये लेले वगैरह भी आ गए हैं। ठीक है, पेडे वगैरह जी माशाल्लाह काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये अभी रस्से जो है ना मारने लगे हैं, तो अभी काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी बस हम निकलते हैं, तो ये हमारे पीछे पीछे आएंगे, तो जो है ना अभी बस हवेली में चलते हैं। ये देखें जी आग कितनी करीब आ गई है, पहले कितनी दूर थी, अभी हमारे जो है ना रस्से भी टाइट हो गए हैं माशाल्लाह। काम ख़त्म हो गया तकरीबन, बस अभी हम निकलने लगे हैं। आग बहुत करीब आ गई है, हो सकता है इस वाले खेत में भी आ जाए। तो जी काम ख़त्म हो गया माशाल्लाह। ठीक है, अभी अपना सारा सामान वगैरह पकड़ते हैं भाई, तो अभी बस निकलते हैं हम। मैं सीधा जाऊंगा हवेली, वहाँ पे जाके भाई का वेट करूंगा। ठीक है, तो जब उतारेंगे तो तब भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो अभी बस निकलते हैं। लो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह लेके निकल गए हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, वो सामने खड़ी है बाइक। ठीक है, अभी मैं बाइक लेके चलता हूँ सीधा हवेली। जी ये हवेली के सामने ये पराली उतार दी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से मैंने आपको उतारते वक्त दिखाया नहीं। तो ये माशाल्लाह पराली उतार दी है, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।